संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। एग्स, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं या फिर एगेटेरियंस हैं, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल फूड कहा जा सकता है। एग ज्यादातर सभी खाते हैं। इस वीडियो का टॉपिक भी एग्स पे ही रहने वाला है, बट हर बार की तरह जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बिल्कुल यूनिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। एग के ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एग व्हाइट और एग योक, जो लोग थोड़ा सा इसके अंदर पसोपेश में रहते हैं कि भाई एग व्हाइट खाएं कि एग योक खाएं, एग योक हेल्दी नहीं है एंड ऑल दैट, उसको मैंने बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ और स्टडीज के साथ आपके सामने रखा था। उस वीडियो को आप जरूर देख ले इस वीडियो के बाद, तो थोड़े से अगर एग व्हाइट और एग योक में फंसे हुए हैं आज तक तो उससे भी आप निकल जाएंगे। इस वीडियो का टॉपिक बिल्कुल यूनिक है और इसमें आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली जब आप एग लेते हैं तो सीधा उसको यूज करते हैं या फिर पहले पता लगाते हैं कि ये कितना पुराना है। ज्यादातर सभी लोगों को पता है कि एग पुराना है या फिर नया है, कितने दिन पुराना है, वो किस तरह से चेक करना है, ज्यादातर लोगों को पता है। जिनको नहीं पता वो तो इस वीडियो से बेनिफिट लेंगे ही। ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है जिनको ये नहीं पता अभी तक कि कितना पुराना है, उसके हिसाब से उसको खाना किस तरीके से। जी हाँ, यही एक यूनिक चीज है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना पुराना एग हो तो उसके हिसाब से उसको किस तरह से खाया जाना चाहिए जिससे कि कोई भी इशू ना हो। देखिए, जब भी आप किसी एग को पानी में डालते हैं और अगर वो बिल्कुल तले में चला जाए और वो हॉरिजॉन्टल रहे, ये वर्टिकल रहता है या हॉरिजॉन्टल रहता है, इस तरीके से रहे, बिल्कुल तले में बिल्कुल चिपका रहे, तो वो 1 से 3 दिन पुराना आपका अंडा होगा। बिल्कुल फ्रेश मान सकते हैं, वो फ्रेश अंडा है, बिल्कुल फ्रेश अंडा है। और अगर इस तरह का अंडा आपके हाथ में है तो आप उसको सॉफ्ट बॉयल कर सकते हैं और या फिर हाफ फ्राई कर सकते हैं। करने को तो आप हार्ड बॉयल भी कर सकते हैं, इसका ऑमलेट डीप फ्राई भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है अगर आप इसको हाफ फ्राई करते हैं या फिर सॉफ्ट बॉयल करते हैं। तो सॉफ्ट बॉयल और हाफ फ्राई के लिए ये बेस्ट है। आगे हम चलते हैं। अगर अंडा हल्का सा टेढ़ा हो गया है, बिल्कुल सीधा नहीं हुआ है, हल्का सा टेढ़ा हुआ है, तो वो माना जाता है 4 से 8 दिन पुराना अंडा। इसके साथ भी आप यही काम कर सकते हैं, इस अंडे को भी आप हाफ फ्राई या फिर सॉफ्ट बॉयल करके खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर हार्ड बॉयल करें, लेकिन इस स्टेट का अंडा भी आप हाफ फ्राई करके या फिर सॉफ्ट बॉयल करके खा सकते हैं। अब बात करते हैं इससे अगली स्टेज की, जिसके अंदर अंडा आपका इस तरीके से स्टैंड कर जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो अगर इस तरह का अंडा है और वो बिल्कुल सतह पे है, बिल्कुल टिका हुआ है, तो ये 9 से 13-14 दिन तक पुराना माना जाता है। अब इस अंडे को आप सॉफ्ट बॉयल या फिर हाफ फ्राई करके ना खाएं, क्योंकि थोड़ा सा ये पुराना हो चुका है, 2 से 3 हफ्ते करीब का ये पुराना हो चुका है। तो इसको आप या तो फ्राई करके खाएं या फिर हार्ड बॉयल करके खाएं। जी हां, हार्ड बॉयल करें या फिर फ्राई करें, यानी ऑमलेट वगैरह इसका बना लें, बट इसको हाफ फ्राई या फिर सॉफ्ट बॉयल बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये फ्रेश नहीं है। सो ओनली फ्रेश खाया जा सकता है। इसकी अगली स्टेज आती है जिसके अंदर वर्टिकल रहता है और वो फुदकता रहता है, जंप करता रहता है, ना वो तले में रहेगा ना ऊपर रहेगा, कहीं बीच में सेंटर में रहेगा, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा। तो ये जो अंडा रहता है ये करीब करीब 14 से 18 दिन पुराना माना जाता है। इसके साथ भी यही कर रहे हैं आप, अगर इसको, अगर ऐसा आपको अंडा मिलता है जो कि तले से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन टॉप पे भी नहीं पहुंचा है, तो इसको भी खाया जा सकता है और इसको भी आप फ्राई करके या फिर हार्ड बॉयल करके खा सकते हैं। इससे जो अगली स्टेज आती है उसके अंदर क्या होता है कि अंडा वर्टिकल रहता है और बिल्कुल टॉप पे जाता है। देखिए, ये वाला अंडा अगर आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज अगर अवॉइड नहीं करना चाहते तो आप इसको तोड़ के पहले स्मेल कर लें कि इसमें से कोई बदबू तो नहीं आ रही है। अगर बदबू ना आए तो इसको हार्ड बॉयल या फ्राई कर ले, बट मेरी सजेशन ये होगी कि इसको आप ना खाएं। इसकी अगली स्टेज भी मैं आपको बताता हूं। इसकी अगली स्टेज जो होती है उसके अंदर तो बिल्कुल टॉप पे आके भी हल्का सा वर्टिकल हो जाता है और थोड़ा सा किनारा इसका बाहर आ जाएगा, उसको तो आप बिना देखे जस्ट फेंक दें। तो दोस्तों, ये 5-6 स्टेजेस मैंने आपको बताई, इससे आप एज तो पता लगा ही सकते हैं कि कितना पुराना अंडा है, साथ में एज के हिसाब से खाना जरूरी है, क्योंकि अगर फ्रेश अंडा नहीं हुआ और आपने हाफ फ्राई या फिर सॉफ्ट बॉयल खाया तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ डाइजेशन में इश्यू आ जाए। तो जितना पुराना अंडा होता रहेगा उसको आप फ्राई और हार्ड बॉयल करें, यानी कि ज्यादा पकाने की जरूरत है, और जितना वो फ्रेश अंडा है उसको आप सॉफ्ट बॉयल या फिर हाफ फ्राई खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पता लगाया है कि अंडे की एज कैसे पता करें और एज के हिसाब से उसको किस तरीके से खाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंडे को खाने का सही तरीका क्या है, हेल्दी तरीका क्या है। खाने को तो किसी भी तरीके से खा लें, बट उसका हेल्दी तरीका क्या है जिससे कि उसका न्यूट्रिशनल जो पूरा का पूरा एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल सके। ऐसा नहीं कि जो उसकी जो जो उसके एडवांटेजेस हैं वो हमें मिले ही ना।
आप बस खाए जा रहे हैं अंडे गिनती के, और उसके बाद समझ रहे हैं कि भाई हमको इसका कोई फायदा होगा। जो सही तरीका है अंडा खाने का वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस तरीके की इंटरेस्टिंग और यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी करना पड़ेगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा फैला दें, और बने रहे मेरे साथ इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज के लिए। एंड लेट द फिटनेस रॉक।